बजट पर कट लगा, कट के मतलब सारी योजनाओं को बंद कर दिए एक तरह से। तो आखिरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना थी, कई योजना थी हमारी सरकार की, लेकिन सारी योजनाओं को बंद करने के बाद आज मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि आप कम से कम इस बात के लिए तो माफी मांगिए जो आपने चुनाव के दिनों में कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसले लिए जाएंगे, नहीं ले पाए, 20 महीने बीत गए, तो ऐसी सूरत में माफी मांगो। उनने माफी नहीं मांगी और इसलिए हम सदन से वॉकआउट करके आए। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपकी सरकार नहीं लूटी गई है, जनहित की योजना चली थी, गरीब आदमी का इलाज हिमकेयर के माध्यम से अगर हो रहा था तो वो गरीब आदमी के प्रति एक दया का भाव था। सहारा योजना के अंतर्गत उस बीमार आदमी का जो जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा जब तक जिंदा है, उसकी मदद करने के लिए अगर 3,000 रुपये उसके खाते में डाले थे, इसको खजाना लूटना नहीं, ये उस बीमार आदमी की पीड़ा को कम करने की दृष्टि से कदम उठाया गया था। और हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अगर महिलाओं के लिए कोई फैसला लिया था, 50% तो है किराया माफ करने का बसों में आने जाने का, तो ये फैसला उस तरह का फैसला नहीं था, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से था। आपने तो सारी की सारी फ्री बीज जो है सारी घोषणा की और पूरी एक भी नहीं की।